मध्य प्रदेश सरकार व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि वे इसके लिए हाईकोर्ट को एक पत्र लिखने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वे सोमवार को पूरी रात जाकर इस मुद्दे पर विचार करते रहे। व्यापम घोटाले को लेकर भोपाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस की मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी छोड़ें। व्यापम घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि ऐसे मुद्दे पर उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। कानून मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ऐसे मूर्खतापूर्ण मुद्दे पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। इस मामले को विपक्ष जबरन तूल दे रहा है। गौड़ ने कहा कि विपक्ष की आदत हो गई है कि वे हर मसले पर पीएम मोदी का बयान चाहते हैं। अगर ऐसे मामूली मुद्दे का पीएम जवाब देने लगे तो फिर हो गया। टर्किश एयरलाइंस के एक विमान में बम की खबर मिलने के बाद उसे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कार्गो की जांच के लिए एनएसजी कमांडो भी पहुंचे और उन्होंने यात्रियों से पूछताछ भी की। भारतीय राजनीति में बदलाव लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के लिए चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 पार्टियों को भी नोटिस भेजा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की है। यूजीसी के मुताबिक ये विश्वविद्यालय नियमों को पूरा नहीं करते और पूरी तरह से फर्जी हैं। दिल्ली में मंगलवार को शादी के बंधन में बंधे शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में शाहिद और मीरा शादी की रस्में अदा करते नजर आ रहे हैं। शादी समारोह में शाहिद और मीरा सादगी भरे कपड़ों में नजर आ रहे हैं।